जनाब अली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू इम्पूटेशन फंक्शन हमने यूजिंग मशीन लर्निंग इसको देखा और मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करने के लिए हमने स्टेप्स जो देखे इम्पोर्ट लाइब्रेरीज लोड द डेटा फाइंड द कॉलम्स विद मिसिंग वैल्यूज एंड स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट फाइंड द कॉलम्स बेस्ड ऑन द डेटा टाइप नोरिक कैटेगोरिकल और बुलियन के बेस में हमने सेपरेट कर लेने डिफाइन द फंक्शन टू इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज वो हमने देखा एंड अपलाई आवर डेटा सेट विद मिसिंग वैल्यूज उसको हमने लगाना है एंड एट द एंड हमने चेक करनी है मिसिंग वैल्यूज आफ्टर इम्प्यन अब यहाँ पे आप चेक करें सबसे पहले हमने क्या किया था सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं उनको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है और यहाँ पे एक एरर आ रही है कि हमें यहाँ पे इटरेटिव इम्प्यूटर के पहले हमें यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा फ्रॉम एस के लर्न फ्रॉम एस के लर्न डॉट एक्सपेरिमेंटल एंड इम्पोर्ट इनेबल इटरेटिव इंप्यूटर और इसको इम्प्यूट कर लिया ये हमने लाइब्रेरीज़ यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली इन लाइब्रेरीज में पांडाज नम पाई मेट प्लॉट डिपसी बॉन लेबल इनकोडर है रेंडम फ्रेस रेग्रेसर है मीन बरपसोलोटर है एक्ोरेसी स्कोर है प्रोसीजन स्कोर है एक्सपेरिमेंटल है एटरेटिव इंप्यूटर है और ट्रेन टेस्ट एपलेट मैंने इन सभी को इंपोर्ट कर लिया ठीक है जी फिर मैंने अपना एक डेटा सेट लोड किया जिसका नाम है हार्ट डिजीज डेटा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मैंने इसको लोड किया लोड करने के बाद मेरे पास डेटा सेट इस तरीके से आ गया मैंने क्या किया सबसे पहले चेक किया कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हमारे पास हैं यूजिंग दिस कमांड

वेन यू राइट डाउन डी एफ डॉट इन फो और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है कि सोलह कॉलम्स हमारे पास टोटल है और सारे एंड एनमेरिकल अंदर मैंने सेव कर लिए। एट द एंड आप क्या करते हैं आप बेसिकली ये वाला फंक्शन ले के आते हैं जो मैंने तकरीबन आपको समझा दिया बट आई विल राइट इट डाउन अगैन यहां पे हम करेंगे इम्पोर्ट कैटेगोरिकल मिसिंग डेटा और उसमें से एक पास करेंगे कॉलम को इसके बाद हम क्या करेंगे हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को रन करेंगे ठीक है तो हमारे पास हमारे पास ये फंक्शन आ गया इंपोर्ट कैटेगोरिकल डेटा का फिर हमारे पास अगला फंक्शन आएगा जिसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस डेटा तो कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस डेटा हमारे पास दो किस्म का डेटा कॉन्टीन्यूस से मुराद हमारा नुमैरिक डेटा ही है नुमैरिक डेटा या कॉन्टीन्यूस डेटा आप जो भी इसे बोलना चाहें आप बोल सकते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन है ये बेसिकली उस्मान तारिक साहब ने इसे लिखा है एंड uh, इस फंक्शन को बाकी सबके फंक्शन से मैंने थोड़ा सा प्रायोरिटी पर रखा बिकॉज इन्होंने अच्छा काम किया इस पर एंड आई रियली अप्रिशिएट Thank यू स्मान फॉर शेयरिंग दिस फंक्शन अब मैं यहाँ पे उनके कार से ये बोलियन कैटेगोरिकल एंड नुमेरिक कॉलम्स तीनों को रन करता हूँ जिससे मेरे पास बोलियन कैटेगोरिकल और नुमेरिक तीन कॉलम हमारे पास आ गए हमने इम्प्योर्ड कैटेगोरिकल फंक्शन में डी एफ नल यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो नॉट नल है या नल है उनको हमने बेसिकली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में सेव किया नॉट नल यानी कि विदाउट मिसिंग डेटा और विद मिसिंग डेटा ये दो कॉलम है जो मैंने मिसिंग वैल्यू इम्पिटिशन के लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है आई एम होपफुल कि ये चीज़ आपको आती है अगर नहीं आती तो मिसिंग वैल्यू इम्पिटिशन का जो हमारा दो दिन पहले का लेक्चर है उसे जरूर देखें उस पूरे लेक्चर के जो लास्ट वाला मशीन लर्निंग का रैंडम फ्रेस का एल्गोरिथम था और लेबल इनकोडर के थ्रू हमने जो चीज़ें की थी वो सारी की सारी इस फंक्शन के अंदर उन्होंने समा दी हैं तो आई विल शेयर दिस फंक्शन और आप यहां से देख सकेंगे उन्होंने पहले तो ये काम किया कि सबकी वैल्यूज को इंप्यूड कर लिया जो मिसिंग वैल्यूज हैं, फिर एक्स की बेस पे उन्होंने दोबारा से उनको कॉन्टिनेट किया टू ओरिजिनल डेटा यहाँ पे आप अगर चेक करें तो नॉट नल और नल को डी एफ कंबाइन करके हमारे पास डेटा सेट आ गया और एट दी एंड हमारे डी एफ कंबाइंड है बेसिकली पास कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यूज जो है मिसिंग उसकी आ गई हैं ठीक है थीके? इसी तरीके से कॉन्टीन्यूस वैल्यू के अंदर उन्होंने यही काम किया जो मेन फर्क है कॉन्टीन्यूस वैल्यू के अंदर उन्होंने बेसिकली आपके पास इटरेटिव इंप्यूटर के अंदर रैंडम फ्रेस रिग्रेसर को यूज किया अगर आप यू यहाँ पे चेक करें तो इटरेटिव इंप्यूटर का मतलब यह है कि एक ऐसा इंप्यूटर जो आपके कंटिन्यूस वैल्यूज को मल्टी वेरिएट स्टेटिस्टिक्स के थ्रू डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के थ्रू आप उसको मेजर कर सकते हैं अगर आप यहीं पे रैंडम फ्रेस रिग्रेसर बता दें तो ये बेसिकली उसको ऐड कर देगा इटरेटिव इम्प्यूटर में आपका रैंडम फ्रेस रिग्रेसर को इटरेटिव इंप्यूटर जो है बेसिकली आपके पास अगर मैं यहां पे क्लिक करूं यहां पे लेके आऊँ ये क्लास है जिसमें आप अपना बेस एस्टिमेटर कोई भी दे सकते हैं ठीक है और उसकी बेस पे आप कोई भी इनिशियल स्ट्रेटजी भी बता सकते हैं इंप्यूटेशन ऑर्डर भी बता सकते हैं एंड देन यू कैन इंप्यूट द मिसिंग वैल्यूज यहां पे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन हमने बताया फिर उसको एट द एंड हमारे पास यही फंक्शन प्रिडिक्ट करके हमारे पास वैल्यूज और मेन एब्सोल्यूट एरर को हमारे पास साथ साथ प्रिंट करके हमें देगा जो भी हमारे पास कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल डेटा आएगा यहाँ पे उन्होंने साथ में आर एम एस सी और आर स्क्र को भी लिखा है अगर आप चाहें तो इनको भी ऑन कर सकते हैं एंड होप फुली इट विल ऑल्सो गोइंग टू दैट और हमें आर स्क्र मीन स्केड एरर और इन तीनों को भी कॉल करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे जाके पहले इसे कॉल कर लेता हूँ मैट्रिक्स के अंदर जाके मेन एप्स एरर के बाद यहाँ पे करना है जनाब आर स्क्र स्कोर और कॉमा हमारे पास है जी मीन एप्स मीन स्केड मीन स्र्ड एरर तो अगर हम इसको रन करेंगे देन

अपनी मिसिंग वैल्यूज को चेक करता हूं मैं सेम कोड यहां पे लिखता हूं इसको रन करता हूं एंड हे यू गो आपके पास ये सारी मिसिंग वैल्यूज हैं मैंने कुछ नहीं किया कोई इंप्यूट नहीं की अब अब हम करेंगे इंप्यूटेशन ठीक है हमने सारे के सारे कॉलम बना लिए अब ये वाला बेसिकली हम फोर लूप यूज करेंगे यहां पे फोर कॉलम्स इन मिसिंग डेटा कॉलम्स प्रिंट करना है हमने मिसिंग वैल्यूज को कॉलम्स की और फिर उसको हमने क्या करना है राउंड ऑफ करके यहाँ पे टू के थ्रू यहाँ पे हमने प्रिंट कर देना है अगर कॉलम क्लासिफायर कॉलम है इफ कॉलम इन क्लासिफायर कॉलम तो इसको इंप्यूट करेंगे कैटेगोरिकल मिसिंग डेटा वाले फंक्शन से अगर कॉलम रिग्रेसर कॉलम के अंदर है तो उसे हम इंप्यूट करेंगे कॉन्टिन्यूस मिसिंग डेटा की बेस पे तो आप अगर गौर करें हमारे पास ये जो इसको अगर मैं रन करूं सो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन यहां पे मैं इसे रन करता हूं और जस्ट अ मिनट यहाँ पे हमारे पास इज नॉट डिफाइंड क्लासीफायर कॉलम इज नॉट डिफाइंड मैं इसको ये जो उस्मान भाई ने नाम रखे थे कैटेगोरिकल के बजाय मैं इसको क्लासीफायर कॉलम भी कह सकता हूँ और नोमेरिक के बजाय इसको कॉन्टिन्यूस भी कह सकता हूँ तो मैं इसको बेसिकली कैटेगोरिकल कॉलम बोलूंगा क्योंकि दैट इज राइट टर्म कैटागोरिकल कॉल्स और इसको मैं बोलूंगा नोमरिक कॉल्स नोमरिक सो ये हम इस तरीके से रन करेंगे इसको करेंगे पास अन बिसमिल्ल रन रहीम एवरी थिंग इज़ रनिंग फाइन एंड हेयर यू कैन सी कि अभी भी हमारे पास यहाँ पर कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं कुछ मसला चल रहा है बट वी विल सी कि ये किस तरीके से हमारे पास मसला चल रहा है और क्यों चल रहा है एंड देन वी विल एक्चुअली रिमूव दिस वार्निंग्स ठीक है सो मैं यहीं पे रिमूव वार्निंग का एक फंक्शन लगा देता हूँ रिमूव वार्निंग्स वार्निंग्स लेट्स सी, यस तो हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो गई हैं वार्निंग्स एंड एट द एंड आपके पास सारे के सारे रिजल्ट जो है वो शो हो गया आपकी मिसिंग वैल्यूज भी इम्प्यूट हो गई हैं और आपकी मिसिंग वैल्यूज जो हमने फंक्शन डिजाइन किया उसकी वजह से इम्प्यूट हो गई हैं इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज यूजिंग और फंक्शंस ठीक है मैं इसको रन करता हूँ रन करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो सारी की सारी इम्प्यूट हो चुकी हैं मैं दोबारा से ऊपर वालों को रन करता हूँ और फिर बाद में इसको रन करता हूँ देन यू विल सी कि जहाँ पे जितने परसेंट मिसिंग वैल्यूज थे पहले वो आएंगी फिर कितनी मेन एप्सोलूट परसेंटेज है और आर के स्कोर की बेस पर इंप्यूटेशन रही वो आएगा फिर यहाँ पे उसकी परसेंटेज आएगी फिर आगे आएगा अगर मैं इसको दोबारा से रन करूंगा ना तो अभी तो डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ ही कोई नहीं है तो इसने डायरेक्टली क्या करना जीरो परसेंट से स्टार्ट करना क्योंकि है ही कोई नहीं इस वजह से हमेशा आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा रन ऑल करके ताकि मिसिंग वैल्यूज आपकी सारे के सारी यहाँ पे शो हो जाए अब मैं एंड पे क्या करता हूँ दोबारा से मिसिंग वैल्यूज को चेक करता हूँ पेस्ट करता हूँ सी एंड एट द एंड मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे मिसिंग वैल्यूज हैं सो एट द एंड हमने क्या किया हमने सारे के सारे मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूट कर दी हैं यहाँ पे अगर आप चेक करें तो सारे कॉलम्स की मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूट हो चुकी हैं ठीक है थीके? जो हम यहाँ पे कर रहे हैं काम इस तरीके से हम मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट कर सकते हैं यहां पे समझ आ गई ओके okay. अब ये वाला जो टास्क है ये आपके सामने आपको समझ भी आ गया होगा एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी हमने यहाँ पे काम किया है बेसिकली ये वार्निंग्स अभी भी जो है वो करेक्ट नहीं हुई वार्निंग्स अभी भी आ रही है यूजर वार्निंग मीन एप्सल्यूट एरर पाइथन बेस के अंदर कोई इशू है क्योंकि मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ सो आई विल इम्पोर्ट Warnings, warnings. Now it's fine. ठीक है तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो चीज जितनी एक के साथ इंप्यूट हुई है वो भी यहाँ पे आ गया और जितना आपके पास कोई एर था वो भी आ गया और एट दी एंड ये पूरी की पूरी नोटबुक आपके सामने है ठीक है जी सो so, इस तरीके से आप इंप्यूट कर सकते हैं सारी की सारी चीजें is how यू कैन एक्चुअली वर्क अब हमने क्या करना है जो हमारा पूरा टास्क है ये पूरी की पूरी फंक्शन टू इंप्यूट नल वैल्यूज ये पूरी की पूरी नोटबुक आपको अभी मिल जाएगी आप सेम फंक्शन किसी भी डेटा सेट पर लगा के उस पर काम कर सकते हैं एंड देन यू कैन इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज ठीक है मिसाल के तौर पर आपको करना क्या है बेसिक बेसिक काम यह करना है कि उस फंक्शन के कैटेगोरिकल और नोमेरिक कॉलम्स को सेपरेट कर लेना है एंड दैट्स इट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स बाकी सारे का सारा काम आपका इस तरीके से हो जाएगा यानी कि जो स्टेप मैंने आपको बताएं इनके थ्रू अगर आप काम करें तो आपकी मिसिंग वैल्यूज इंप्यूट हो जाएंगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मिसिंग वैल्यूज़ किस तरीके से इंप्यूट की जाती हैं अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे और फर्दर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये मिसिंग वैल्यूज़ का तरीका नहीं समझा तो वीडियो को पॉज़ करें यहीं से आप बैक जाएं और मिसिंग वैल्यूज़ के तरीके को समझ के फिर आगे मूव कीजिएगा मेरे साथ